इन दिनों पड़ोसी मुल्क चीन में मोदी के नक्शे कदमों पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग चलने लगे हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के तर्ज पर अब चीन में भी स्वच्छता का अभियान जबरदस्त चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह अब चीन में टॉयलेट क्रांति का आगाज हो चुका है, जिसके तहत जिनपिंग ने सभी अधिकारियों को पूरे देश में मौजूद टॉयलेट्स को अपग्रेड करने के सख्त आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सभी अधिकारियों को इस बात पर जोर देना है कि शहरी और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए स्वच्छ टॉयलेट का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे अक्टूबर के आखिर तक चीन ने पर्यटक स्थलों पर 68,000 टॉयलेट्स को अपग्रेड करने का काम पूरा कर लिया है। शौचालय क्रांति चीन में 2015 में ही शुरू हो गई थी, जिसके तहत 20 अरब युआन के खर्चे पर 68,000 टॉयलेट्स अभी तक अपग्रेड किए जा चुके हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चीन उन टॉप 4 देशों में शामिल है जहां 2016 में सबसे ज्यादा विदेशी टूरिस्ट पहुंचे थे, जिसके चलते जिनपिंग सरकार अब देश भर में मौजूद टॉयलेट्स को अपग्रेड करके स्वच्छता की एक नई परिभाषा लिखना चाहती है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।